हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। देखो एक्चुअली इसका नाम सुन के हम लोग को डर लग रहा है, लेकिन इंटीग्रल्स मतलब एक चीज याद रखना। जैसे मैंने पर्टिकुलर को बताया था, एक्सपोनेंशियल के आगे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में जीरो टू इन्फिनिटी होता है, इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज ऐसे रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में जीरो से टी रहेगा, इतना दिमाग में रखने का। और आगे जो रहेगा वो एफ ऑफ टी। लेकिन क्या होता है एग्जाम में या क्वेश्चन में क्या देते हैं, एफ ऑफ यू देते हैं, तो डरना नहीं है। इतना क्लियर हुआ तो करेंगे क्या वो देखते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया है लैप्लास ऑफ जीरो टू टी। देखो क्वेश्चन कैसा पहचाना मैंने, ये फॉर्म का है, इंटीग्रल फॉर्म का है, तो जीरो से टी देखने का, आगे क्या देगा एफ ऑफ यू। इसके पहले तक हमने फंक्शन ऑफ टी देखा था एफ ऑफ टी, तो यहाँ पर एफ ऑफ यू क्या है? अरे कुछ नहीं, यहाँ पर टिप्स करके दिया क्या, टिप्स कंसिडर यू एज अ टी। जहां जहां यू है उसको टी कंसिडर करने का, अपने दिमाग में बिठा लेने का। जीरो से टी आया, यू आया, तो यू को टी कंसिडर करो। ओके, करना क्या, ये दिख रहा है, ये मतलब एफ ऑफ टी। देखो मैंने बोला एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का लैप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस उसको सिंपली डिवाइड बाय एस करने का। क्या बोला, सिंपली डिवाइड बाय एस करने। एक एग्जांपल लेगा तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैंने एग्जांपल में जीरो से टी मैंने बोला फाइंड लैप्लास ऑफ साइन टू यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आएगा, अच्छा पहचाने का कैसे, ये जीरो से टी इंटीग्रल फॉर्म का है, तो इंटीग्रेशन जीरो से टी वाला देखने का, तो वैसे जीरो टू इन्फिनिटी देखा, तो जीरो से इन्फिनिटी देखा तो पर्टिकुलर, इतना तो क्लियर हो गया ना। तो जीरो से टी देखो मैंने क्या किया, कंसीडर यू एज ए टी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, डेट इज, देखो सेम क्वेश्चन को, डेट इज जीरो से टी लैप्लास ऑफ साइन टू टी डी टी। एक कुछ नहीं, इजी, बराबर है। चलो राइट साइड से आने का, राइट साइड से जब जाओगे तो तुमको क्या दिखेगा, सिंपल है, साइन टू टी मीन्स एफ ऑफ टी इज नथिंग बट हियर, हियर एफ ऑफ टी क्या हो गया, एफ ऑफ टी है साइन टू टी। चलो मेरे को बताओ इसका लैप्लास अवेलेबल है क्या, हाँ ये ना बोलने का लैप्लास है, हाँ यस। लेकिन अगर दो चीज मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइन इंटू कॉस रहेगा, या साइन एक हाइपरबोलिक है, कॉस अलग है, तो हाइपरबोलिक को क्या करने का, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। इतना क्लियर हो रहा है तुमको? ओके, अब यहाँ पर देखो लैप्लास है, हाँ है, तो एफ ऑफ एस हो गया टेकिंग लैप्लास, हाँ क्या यहाँ पर कहेगा टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ये कैसे गया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, हो गया क्या सॉल्व, नहीं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कमेंट लिखना तो भूल गए ना हम, कमेंट सबसे पहले एफ ऑफ टी मिला मेरे को साइन टू टी, सेकेंड में क्या डालूंगा जीरो से टी, इतना समझा, बरोबर है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। नाउ सेकेंड स्टेप नंबर टू, स्टेप टू क्या रहेगा, बाय इंटीग्रल फॉर्म, देखो कैसा लिख रहा हूँ, बाय इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पर अगर जीरो से टी रहेगा, साइन टू टी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी रहेगा, तो क्या करना, एफ ऑफ एस लिखने का, एफ ऑफ एस, ये चीज़ आता है सेकेंड के लिए एफ ऑफ एस फर्स्ट वाला, फोर्थ के लिए एफ ऑफ एस कौन सा रहेगा, थर्ड वाला, थर्ड वाले के लिए एफ ऑफ एस सेकंड वाला, ऐसा करने का, ये समझा, रिवर्स ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एस लिखा, हाँ लिख टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, क्या करने का, डिवाइड बाय एस करने का। देखो एफ ऑफ एस अपॉन एस, तो डिवाइड बाय एस करने का। ये तुमको याद आ रहा है कुछ, ऐसा कैसे सॉल्व करने का, समझ रहे? देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखने का, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का साइन देने का, डिनोमीटर में जो दिख रहा है उसको उल्टा करने का। याद आया, ये चीज बताया था तुमको बेसिक्स में। तो यहाँ पर डिनोमीटर में क्या, देखो ये दिख रहा है ये बड़ा लाइन है, मेन चीज बड़ा लाइन कौन सा हो पहचानने आना चाहिए, बरोबर। यहाँ पर न्यूमरेटर लिखा, हाँ मल्टीप्लाई का साइन, नीचे क्या दिख रहा है डिनोमीटर में, एस, एस का उल्टा किया तो वन बाय एस, इतना समझते ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन ना भाई, तो यहाँ पर क्या जाएगा वन बाय एस, इतना क्लियर हो। तो आंसर इज टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्रॉस होता है, कैसा होता है, सामने से सामने होता है, बेसिक से बेसिक समझना चाहिए अपने को, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है क्या, तो यहाँ पर क्या है एस से मल्टीप्लाई, बरोबर। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, यस यू कैन, तो क्या आएगा इज इक्वल टू टू अपॉन एस क्यूब, देखो ये अंदर गया प्लस फोर एस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। कुछ कमेंट करूँ, यहाँ पर मेरे को एक चीज़ बताओ, साइन टू यू के जगह पे क्या क्या हो सकता है, सोचो साइन टू यू के जगह पे मैं साइन स्क्वायर दे सकता हूँ एग्जाम में, मैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने का वो बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर, अरे यहाँ पर क्या डायरेक्टली एफ ऑफ टी ये हो जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर टू टी हो जाएगा क्या डायरेक्टली, नहीं, तो यहाँ पर याद आ रहा है वन माइनस कॉस फोर टी अपॉन टू हो जाता, यहाँ पर अगर कॉस होता था तो क्या करते थे कॉस, तो सोचो कॉस स्क्वायर का तो डायरेक्टली नहीं है, कॉस स्क्वायर का डायरेक्टली नहीं है, तो क्या करेंगे वन प्लस कॉस टू टाइम्स थीटा अपॉन में टू आता था, प्लस आता था, क्या क्यूब रहता था तो क्या करते थे, याद आ रहा है सब फॉर्मूला मैंने रिकॉलिंग करा है, मैंने तुमको बता दिया एफ ऑफ टी में ये सब हो सकता है, एफ ऑफ टी में वो सब हो सकते हैं, तो हम लोग एफ ऑफ एस निकाल सकते हैं, और ईच एंड एवरी टर्म्स हमने फैमिलियर है, हम लोग को पता है कि एफ ऑफ टी ऐसा है तो क्या करने का, ट्रिग्नोमेट्रीज वाले को आवाज देने का, अगर हाइपरबोलिक ने साइन के साथ मल्टीप्लाई किया या हाइपरबोलिक ने कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का,
इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग क्या सेकंड सम देखने वाले, नेक्स्ट सम्स क्या लिखा है, e रेस टू माइनस 40 इंटीग्रेशन 0 से t u साइन 3 u du। ओके, मैंने क्या टिप दिया था कि u को क्या कंसिडर करना है, t कंसिडर करना और कुछ नहीं। देखो मैंने डायरेक्ट लिख के अपने मन से क्वेश्चन चेंज कर दिया, अरे क्वेश्चन चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, u को t कंसिडर करो। क्या लिख रहा है, e रेस टू माइनस 40 की जगह पे यहाँ पर ये तो एज इट इज है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है u का t किया, साइन 3 u का 3t du का dt। कैसे स्टार्ट करने का, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से आएंगे, मैं बताया था राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है। ओके, क्या देख के लग रहा है, देखो मल्टीप्लायर टी दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, जीरो से टी दिख रहा है। देखो गलती करोगे, यहाँ पर मैं कैसे बोला, राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, मतलब सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, साइन 3t और टी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है साइन 3t पहले आया, उस पर मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी मारोगे, फिर यहाँ पर जीरो से टी मतलब इंटीग्रल प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर e^-40 मतलब e^-40 मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सिंपल। यहाँ पर देखो कमेंट में मैंने ये लिखा गया, साइन 3t आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय टी आएगा, फिर जीरो से टी, ये जीरो से टी वाला क्या है, अरे जीरो से टी वाला कुछ नहीं है, एफ ऑफ एस जो दिखेगा ना उसके अपॉन में एस लिखना है, इतना क्लियर हुआ। तो मेरे को ये बताओ इसके लिए एफ ऑफ एस क्या है, सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाला, ये थर्ड के लिए एफ ऑफ एस सेकंड वाला, फोर्थ के लिए, अरे थर्ड वाला, चलो स्टार्ट करते ना फिर, समझा क्या किया मैंने। अच्छा देखो क्वेश्चंस भी चेंज करूंगा, जब मैं थर्ड सम लूंगा तो तुम लोग नोटिस करोगे कि सेम टू सेम सम लूंगा, मैं यू को बाहर फेंकूंगा और इसको अंदर रखूंगा, देखना क्या। चलो यहाँ पर लेकिन अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप वन क्या है, यहाँ पर साइन, अच्छा यहाँ पर लिखते कैसे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 3u, 3u आएगा, 3t आएगा, इतना क्लियर है। क्या लैपलेस डायरेक्टली अवेलेबल है, हाँ या ना, है ना, तो स्टार्ट करते ना। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देखो, साइन 3tu यहाँ पर कॉस 2u भी दे सकता हूँ, तो मतलब तुमको पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो साइन 3t है ना वो दो चीज मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा, समझ रहा है। फिलहाल यहाँ पर क्या है, du, इतना क्लियर है तुमको, मैं क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूँ तुमको, और क्वेश्चंस बनाने आ गया है तो सॉल्व करने आ ही जाएगा, इतना समझा। कैसे कैसे तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, इसका मतलब तुम्हारे माइंड में अगर क्वेश्चंस फ्रेम हुआ तो आंसर भी आना चाहिए, समझ रहे हैं। हम लोग बुक के बिगड़ भी क्वेश्चंस फ्रेम करना सीख चुके हैं, इतना क्लियर। चलो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, अच्छा मेरे को ये बताओ क्या डायरेक्टली अवेलेबल है लैप्लेस, यस, तो यहाँ पर लिखना प्यार से एफ ऑफ एस, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 upon s² + 9, अब बोलो कैसा है ये, अरे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, चलो फर्स्ट स्टेप हो गया क्या, हाँ हो गया, चल भाई प्यार से इसको टिक कर, सेकंड पे मूव करते। यहाँ पर क्या है, सेकंड में मल्टीप्लीकेशन बाय टी, टी दिखा ना, मल्टीप्लीकेशन बाय टी क्या है बोलते हैं, यहाँ पर देखते स्टेप टू, स्टेप टू क्या बोल रहेगा, स्टेप टू ये बोलता है कि भाई लैपलास ऑफ टी साइन 3t बरोबर है, यहाँ पर क्या था याद आ रहा है, रेस टू एन डी डी एन एन एफ ऑफ एस, वॉट इज एफ ऑफ एस, सेकेंड वाले के लिए एफ ऑफ एस कौन सा रहता है, फर्स्ट वाला, इतना तो क्लियर। एन का वैल्यू बोल 1 ना, तो एन इज 1, एन इज 1 मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिख प्यार से 1, एक बार डेरिवेटिव 1 1, मतलब यहाँ पर 1 है क्या, दिखा रहे नहीं, इतना तो क्लियर हुआ। चलो माइनस 1 को एज इट इज रखने का, डी बाई डी एस एफ ऑफ एस क्या दिख रहा है मेरे को, 3 upon s² + 9, वेरिएबल मेन वेरिएबल कौन है, एस, मेन वेरिएबल कौन है, एस, इतना तो क्लियर रखने का ना, तो मेन वेरिएबल ऐसे तो 3 कॉन्स्टेंट या कोएफिशिएंट, देखो एस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ए मल्टीप्लाई समझ रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 3 को बाहर फेंका तो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पर हो जाएगा गुण। सोचो क्या सोच रहे तुम, डेरिवेटिव ऑफ 1 upon s² + 9, हाँ मैंने सोच लिया कि 1 upon s² + a² इज नथिंग बट 1/8 tan inverse of s/, अरे यार पागल हो, वो इंटीग्रेशन था ना, अगर सोचा रहेगा तो पागल हो, नहीं तो स्मार्ट, समझा, हम पागल है, समझ रहे, हमने यही सोचा कि tan inverse आने वाला है, अरे नहीं इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन पार्ट आता है, सॉल्व किया ठीक है, सामने सॉल्व किया तो तुम लोग को मालूम पड़ता, लेकिन गलती कहाँ होती है, वो मैंने गलती पहचानो, अरे डायरेक्टली सक्सेस के पास जाओगे तो मतलब नहीं, गलती करो सीखो फिर आगे जाओ, देखो कुछ तो अलग ही मजा मिलता है। तो यहाँ पर अभी मैं जो बोल रहा हूँ 1 upon s² + 9, तो यहाँ पर अरे इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, याद आ रहा है कुछ, इसके इधर कुछ नहीं मतलब 1, याद करो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, याद आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या था, -3, ये 1 है तो -1 upon s² + 9, यहाँ पर 2 होता था, याद आया कुछ, याद आ रहा है तुमको कैसे किया था, याद आ रहा है, लेकिन क्या स्टैंडर्ड है क्या, जब याद होगा तो 1 upon s था, समझो 1 upon s³ है, जब s क्यूब रहता था 3 ना, तो -3 upon s^4 लिखते थे, याद आया कुछ, लेकिन s के अलावा कुछ रहेगा तो हम लोग उसको एज अ क्या करते थे, उसको a लिखते थे, वापस डेरिवेटिव करते थे, कितने पार्ट को, जितने पार्ट को तुमने ए लिखा है
यहाँ पर एस के जगह पे देखो एस स्क्वायर प्लस नाइन है, तो वहाँ पर डेरिवेटिव करने वाला हो ना कितने पार्ट को, एस स्क्वायर प्लस नाइन को। इतना तो क्लियर हो गया। तो आंसर क्या आया सोचो, देखो यहाँ पर ये माइनस थ्री ये माइनस वन देख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गया क्या बचा, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन द होल स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर एस स्क्वायर दिख रहा है टू एस हो गया प्लस जीरो, मतलब यहाँ पर क्या हो गया टू एस। सिंपल वे में बात करूंगा तो सिक्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन द होल स्क्वायर। इतना तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर है क्या? अरे सॉल्व हो गया यार। नाउ व्हाट, नाउ नाउ लिख इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल वाला फॉर्म क्या बोलता है, इंटीग्रल फॉर्म क्या बोलता है, इंटीग्रल फॉर्म ये बोलता है कि जब भी जीरो से टी दिखे तो उसके ऊपर वाला जो एफ ऑफ एस था उसके नीचे में एस लिखें। अरे यही तो प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर वाला क्या दिख रहा था। नाउ यहाँ पर क्या लिखूंगा, लैपलास ऑफ सिंपल वे में जीरो से टी, मतलब जीरो से टी वाला स्टेप चल रहा है, जीरो से टी टी साइन थ्री टी डी टी इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू इधर लिख रहा हूँ क्या आएगा, ऊपर वाला एफ ऑफ एस देख सिक्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन द होल स्क्वायर। क्या बोला था, अपॉन में एस लिखने का, अपॉन में एस मतलब एफ ऑफ एस अपॉन एफ ऑफ एस अपॉन एस ना। तो इसका याद आ रहा कैसे करने का, सिंपल वे में बात करूँ तुमसे, सिंपल वे में एफ ऑफ एस दिखा ना उसको क्या करने का, डिनोमीटर में एस लिखने का, सिंपल। चलो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स सीख रहे ना, तो यहाँ पर एक चीज याद रखो क्या आएगा इसका, सॉल्व करेंगे तो कैसे करने का बताया था, सिक्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन द होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई का साइन डालने का, नीचे एस दिखा तो वन बाय एस ना, तो लिख प्यार से वन बाय एस, देख यहाँ पर एस एस कैंसर, ऐसा कैसा, अरे कर सकते ना टू बाय टू कट कट होता है क्या, तो वहां पर एस बाय एस समझे ना, ये एस मल्टीप्लाई कर रहे, तो यहाँ पर सिक्स इंटू वन सिक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन द होल स्क्वायर हो गया क्या सॉल्व। नहीं यार ये स्टेप नंबर थ्री, देखो ये सॉल्व किया यस, ये सॉल्व किया हाँ सॉल्व किया, ये वाला क्या बोलता है, अरे कुछ और नहीं बोलता वो बंदा, बहुत प्यारा बंदा है, क्या बोलता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मारना है। नाउ यहाँ पर क्या बनेगा, नाउ स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो ई रेस टू माइनस फोर टी, देखो ऐसा जाने वाले हो जीरो से टी टी साइन थ्री टी बराबर है, यही है यहाँ पर डी टी आएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देखने का ऊपर, ये देखो एफ ऑफ एस कुछ भी रहे तुम लोग वन टू थ्री डालने का तुमको इजी हो जाएगा, वन टू थ्री कुछ भी डाल सकते हो, इतना तो समझे ना। ओके यहाँ पर अभी मेरे को बोलो क्या करने का, ये एस की जगह पे क्या लिखना है, ई रेस टू माइनस फोर्टी है, तो मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो एस की जगह पे एस प्लस फोर लिखना ना, अरे लिखना है एस प्लस फोर, क्वेश्चन को चेंज कर दो, ध्यान से समझो ई रेस टू माइनस फोर्टी है, देखो इसको पर्टिकुलर में घुमा दे रहा हूँ, इसके आगे मैंने जीरो टू इन्फिनिटी लिख दिया, तो अब सोचो एस की जगह पे एस प्लस फोर रहेगा या एस इक्वल टू फोर रहेगा, जब भी एक्सपोनेंशियल के आगे अग्गू बोलते जो जीरो टू इन्फिनिटी दिखा तो पर्टिकुलर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जीरो टू इन्फिनिटी वाला था क्या, नहीं, तो मतलब क्या हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग, इतना तो समझ रहे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा हो वो बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर अरे सॉल्व हो गया क्या, यहाँ पर सिक्स दिखा एस स्क्वायर प्लस नाइन यहाँ पर स्क्वायर, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ पर देखो क्या आएगा इज इक्वल टू फाइनल स्टेप एस सिक्स एस की जगह पे एस प्लस फोर, एस प्लस फोर भावनाओं में बहुमत क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है, एस की जगह पे लिखा हाँ लिखा प्यार से प्लस नाइन यहाँ पर द होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। चल फाइनल स्टेप्स बता, यहाँ पर क्या आएगा थोड़ा सोचने का, अरे थोड़ा क्या सोचने का, अरे सॉल्व हो गया ना यार मेरे भाई, सिक्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी मतलब एट एस बराबर है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन, प्लस का प्लस ये नाइन का नाइन, इतना समझा, तो फाइनल स्टेप क्या है सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेंटी फाइव, अरे ये तुम्हारा आंसर है बराबर है, क्या भूल गया, अरे यहाँ पर स्क्वायर था ना, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, इतना समझा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सोचो कि क्वेश्चन बन रहा कैसे, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सोचो, मैं क्वेश्चन देखो सॉल्व करने के बाद ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या इसको चेंजेस कैसे कर सकता हूँ, इतना क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अभी कैसा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ई रेस टू माइनस फोर्टी को भारी रखा, अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर टी देखो साइन स्क्वायर टू टी लिख सकता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसा बन रहा है वो बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर टू टी, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर टू टी, यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर टू टी, रेस्ट ऑल द थिंग्स रिमेन्स द सेम,
कैसे किया? अरे साइंस का 2D का सबसे पहले यहाँ पर साइन 3D था जो था पहले इनिशियली जो था, तो उसका तुमने लैपलास लिया ठीक है, साइन स्क्वायर 2T का नहीं था तो उसको क्या करोगे 1 - cos 4t याद रहा अपॉन में 2, फिर उसके ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन बाई टी प्रॉपर्टी मारोगे, फिर 0 से t वाला क्या बोलता है ऊपर जो दिखेगा एफ ऑफ एस उसके नीचे s डालूंगा, यही बोलते हैं ना इंटीग्रल, उसके बाद क्या बोलेगा ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन ऐड हो सकता है, हाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है 0 to infinity डाल दिया तो, इतना समझा तुमको, समझा इतना समझ के रखो। चलो देखो और देखो एडवांस लेवल में, जब मुंबई यूनिवर्सिटी का एक पेपर देखोगे ना जहां पर एक क्वेश्चन है समझो सेम टू सेम क्वेश्चन ले लिया, और मैंने ना यहां पर देखो क्या लिखा, समझो यहां पर टी था साइन 3t बरोबर सेम क्वेश्चन लिया, यहां पर लेकिन कॉस एच टी लिखा, करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है यहां पर, करना देखो यहां पर ध्यान से समझो, कॉस एच टी मल्टीप्लाई करते हुए दिखा, मल्टीप्लाई करते हुए दिखा तो क्या करना है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर e रेस टू टी आएगा प्लस e रेस टू माइनस टी अपॉन में 2, यहाँ पर 0 से t टी साइन 3t dt, ये समझा dt, तो अभी क्या होगा? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 1/2 को तो बाहर रख, देखो कैसे कर रहा हूँ, e रेस टू टी को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 0 से t टी साइन 3t dt बरोबर, ये प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस टी 0 से t टी साइन 3t dt, ये समझा कॉस, ये फेमस क्वेश्चन है कॉस एच टी भारत है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद कॉस एच टी का डायरेक्टली लैपलेस, अरे गलत मेथड है कैसे, अरे मैंने बोला था कॉस एच टी जब भी मल्टीप्लाई करते हुए दिखा तो क्या करेंगे उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया फिर क्या किया, अरे पहला टर्म वे 1/2 को बाहर रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब सॉल्व करो जो क्वेश्चन पहले अकेला था, क्वेश्चन अकेला था अभी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जो पहले क्वेश्चन अकेला था दिख रहा है e रेस टू माइनस 40, अब यहाँ पर क्या है e रेस टू माइनस 40 की जगह पे e रेस टू t आया, एक बार सेकंड टाइम में e रेस टू माइनस t आया, बीच में प्लस का प्लस, समझा मतलब समझा, इतना पार्ट सॉल्व करने का, इतना पार्ट सॉल्व करने का, दो बार सॉल्व करने का नहीं, एक बार इस केस में क्या करोगे लास्ट में s की जगह पे क्या आएगा s प्लस 1, इस केस में क्या होगा s की जगह पे s माइनस 1, समझ रहे, अरे इजी बन रहा है यार ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब क्या करना है देखो जो थर्ड सम है, देखो एक और सम कर देते चलो यहाँ पर थर्ड सम में क्या करने वाला, ये भी फेमस है कुछ नहीं, बंदे ने क्या किया ये सम सिखाया लेकिन चेंजेस कर दिया, क्या किया अरे कुछ नहीं दिख रहा है ये यू बाहर आ गया, मतलब यहाँ पर टी आ गया और यहाँ पर ई रेस टू माइनस 4u, ये तुम्हारा क्या हो गया थर्ड सम हो गया, समझ रहा है मैंने कैसे बनाया थर्ड सम मालूम पड़ा तुमको, थर्ड सम के लिए कुछ नहीं इधर का जो था ना उसको उल्टा कर दिया, यहाँ पर मतलब क्या आ गया टी, अरे फिर यू लिखना, अरे नहीं यू लिखा रहेगा चलेगा, समझ रहा है क्या करने वालों, इतना तो समझा। नेक्स्ट सम्स, मैंने ये बताया कि मैंने इसको सम्स क्रिएट कैसे किया, मैंने क्या किया इसके प्रीवियस वाले सम्स को सिर्फ एक्सचेंज कर दिया बरोबर है, अभी यहाँ पर डेट इज करके लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले ये चीज़ समझना, डेट इज टी मैंने बोला था क्या यहाँ पर जो दिख रहा है यू के जगह पे क्या कंसिडर करना है टी, तो यहाँ पर साइन 3t dt, इतना तो क्लियर हो गया, अब करना क्या है यहाँ से जाना मेरे भाई, कैसा करना है ओके जब मैं जा रहा था तो मेरे को दिखा एक्सपोनेंशियल दिखा, एक्सपोनेंशियल के बाद 0 से t दिख रहा है और लास्ट में क्या दिख रहा है t दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर सब देखो यहाँ से जब मैं इधर से जा रहा हूँ सबसे पहले क्या दिख रहा है साइन 3t मल्टीप्लाई कर रहा है e रेस टू माइनस 40 से, अगर वो मल्टीप्लाई करता t से तो क्या होता है अरे इसके प्रीवियस वाला सम बन जाता ना, तो सबसे पहले क्या होगा साइन 3t लो उस पर एक्सपोनेंशियल मारो उस पर 0 से t मारो फिर मल्टीप्लीकेशन बाय t, चार टर्म है इतना समझा, और बस यहाँ पर साइन 3t, अच्छा यहाँ पर यू लिखा तो क्या डर गए अरे नहीं t लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है t लिखना है, इतना तो समझा, तो अभी करना क्या यहाँ पर साइन 3t फिर e रेस टू माइनस 4t फिर यहाँ पर 0 से t फिर मल्टीप्लाई बाय t, चलो स्टार्ट करते यहाँ पर देखो एकदम फ्लो में f ऑफ t, यहाँ पर लेट f ऑफ t इज इक्वल टू साइन 3t, तो क्या इसका लैपलेस होता है पहले ये सोचो लैपलेस होता है क्या बरोबर, यहाँ लैपलेस होता है ना मेरे भाई f ऑफ s यहाँ पर 3 / s² + 9, स्टेप नंबर 1 था हो गया क्या सॉल्व नहीं, अच्छा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे बोलो क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी नाम की चीज नहीं होती, अरे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मैं एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूँ यार, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल आता है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप नंबर 2 क्या आएगा यहाँ पर जब लैपलास ऑफ क्या बोल रहा हूँ लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस 4t साइन 3t क्या हो जाएगा जो ऊपर एफ ऑफ एस दिख रहा है, देखो ऊपर एफ ऑफ एस मतलब क्यों बोला मैंने, अरे सेकंड के लिए एफ ऑफ एस ये है, थर्ड के लिए एफ ऑफ एस ये है, फोर्थ के लिए एफ ऑफ एस ये है, इसलिए मैंने ऊपर वर्ड यूज किया, तुम लोग क्या करोगे तुम लोग अगर लिखना चाहिए ना तो 1, 2, 3 ऐसा सिक्वेंस दे सकते हो, चलो यहाँ पर क्या लिखोगे s के जगह पे क्या लिखोगे s प्लस 4 फर्स्ट शिफ्टिंग ना, चलो यहाँ पर देखो f ऑफ s दिख रहा है 3 / क्या एक ही स्टेप में लिखूँ ये देखो ये सेम टू सेम लिखो
और एस की जगह पे एस प्लस फोर, एस प्लस फोर द होल स्क्वायर प्लस नाइन, इतना क्लियर। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन, ये कैसे क्लियर। अरे ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मार रहा है, इसमें तो आता है ना अपने को। चलो फाइनल आंसर बता, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेंटी फाइव, इतना तो क्लियर हो गया अपने को, एकदम क्लियर हो गया, बरोबर है। अब क्या होता है, अरे और क्या है यहाँ पर, अभी देखने जीरो से टी मारना है। जीरो से टी मतलब क्या होता है, जीरो से टी मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नाउ जीरो से टी प्रॉपर्टी, देखो मैं लिखता कैसे, मेरे को इंटीग्रल फॉर्म ये बोलने में तकलीफ होता, लिखने में तकलीफ होता, तो अरे जीरो से टी प्रॉपर्टी मारना। जीरो से टी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस जो मिला है उसके डिवाइड में एस आएगा, ये बोलते हैं क्या। तो यहाँ पर लिख, यहाँ पर क्या आएगा, जीरो से टी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेंटी फाइव उसके अपॉन में एस आएगा। उसके अपॉन में एस मतलब क्या आएगा, सिंपल वे में बात करो, थ्री लिखा एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेंटी फाइव, देखो मल्टीप्लाई करोगे वन बाय एस से, ये कैसे आ रहा पता चल रहा है ना तुमको, अभी तो फैमिलियर हो गए हम लोग कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो यहाँ पर बात करो, थ्री अपॉन एस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एस क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई किया तो एट एस स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी फाइव एस, इतना समझा, इतना समझा। अभी क्या होएगा सोचने का, हो गया क्या सॉल्व, हाँ ये हो गया, मतलब ये भाई हो गया, ये उसकी बहन है, ये हो गई, ये उसका पप्पा माँ बाप की, बरोबर है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करें, मल्टीप्लीकेशन बाय टी ना, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कैसा बोलते हैं भाई, माइनस वन रेस टू एन डेरीवेटिव करने का एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस इसके लिए कौन है, ये वाला है क्या, ये वाला है कि ये वाला है, थर्ड वाला, बरोबर। चलो यहाँ पर नाउ लास्ट स्टेप क्या रहेगा, लेकिन समझना है कि कर रहे कैसे, लास्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर फोर, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। देखो लिखने का लिए कंजूस मारवाड़ी में मेरा इंग जाता है ना, इसलिए देखो मल्टीप्लाई का एम यू एल लिखा, चलो ठीक है वो बात की बात है। यहाँ पर क्या है, लैप्लास ऑफ टी ई रेस टू, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन है जीरो से टी है, ई रेस टू माइनस फोर टी लिखो या यू लिखो, एक बार यू लिखा तो पूरा यू लिखने का, एक बार टी लिखा तो पूरा टी लिखने का, यहाँ पर टी डी टी, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वन रेस टू एन डी बाई डी एस, बरोबर एन एन एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस कौन से, थर्ड पार्ट जो मिला है, बरोबर है। ओके यहाँ पर बताओ एन का वैल्यू क्या है, वन, बरोबर एक ऐसा मान, अरे देखना मेरे भाई टी के पावर में वन, तो यहाँ पर लिख कितने बार डेरिवेटिव होने वाला है, एक बार होने वाला है, कितने किसका होने वाला, माइनस वन लिखा डी बाई डी एस लिखा, एफ ऑफ एस क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है थ्री, ये दिख रहा है क्या तुमको, यही है ना, ये थ्री को बाहर फेंक रहा हो, देखो ये थ्री को जब बाहर फेंका तो ये क्या हो गया, माइनस थ्री, बचा क्या, वन अपॉन एस क्यू प्लस एट एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एस, ये समझा क्या तुमको, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिल और दिमाग एक ही जगह रखो और सोचो इसका क्या होने वाला है, क्या ऊपर एस नीचे एस है, नहीं क्या सिर्फ नीचे एस है, सिर्फ नीचे एस रहेगा तो वन बाय एस वाला फॉर्मूला, समझो वन अपॉन एस क्यूब है तो कैसे लिखते था, माइनस थ्री अपॉन एस रेस्ट फोर ना, लेकिन सिर्फ एस रहेगा तो, अगर एस नहीं है तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड टर्म जैसे एज्यूम करोगे, बरोबर। देख यहाँ पर क्या है, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब वन है ना, तो क्या आएगा आंसर, सोचो माइनस वन, देखो ये वाला बाहर का माइनस थ्री है, माइनस थ्री देखो कैसे कर रहा हूँ, दिख रहा है ये वन है ना, तो माइनस वन अपॉन एज इट इज जो रहेगा, इधर वन का क्या हो जाएगा टू, याद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एस क्यूब प्लस एट एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एस, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, आया ना, क्या स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड था क्या, नहीं था ना, तो क्या करने का, अरे स्टैंडर्ड नहीं था तो कुछ नहीं, इसको ऐसा ऐसा करने का और यहाँ पर ए लिखने का, ए स्टैंड्स फॉर असिस, ऐसा कुछ नहीं, ए स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, देखो एनीथिंग ये भी आ गया, चलेगा वो बात अलग है। तो क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कितने का, कितने पार्ट को एज्यूम किया था, इतने पार्ट को ना, दिख रहा है वो बिछड़ी हो रहा है, लेकिन ये समझो कि इतने पार्ट को एज्यूम किया तो, अरे लेना डेरिवेटिव, समझ रहे क्या बोल, अरे डेरिवेटिव लेने के लिए क्या होता है यार, ये तो बच्चा लेवल हो गया अभी अपने लिए, बरोबर है, ट्वेंटी फाइव एस, बरोबर है, चल ना बात कर ले, माइनस थ्री और ये माइनस वन मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, माइनस थ्री या प्लस थ्री, थ्री, चलो बच्चा होशियार बन रहा है धीरे धीरे, ऐसे ही करते रहो, अंबानी के बाजू में बैठेंगे, चलेगा। यहाँ पर अच्छा स्क्वायर भी है, ये डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, ये डेरिवेटिव इस बार, लेकिन एक चीज़ है, इस बार डेरिवेटिव रॉन्ग नहीं होना चाहिए, चल प्यार से मल्टीप्लाई में एस क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री एस स्क्वायर, बरोबर है, एट एस स्क्वायर का ये देखो ये क्या हो जाएगा, सिक्सटीन एस, सिक्सटीन एस कैसे है, टू नीचे गिरा ना और एट ऑलरेडी है,
8 टू 16 बराबर प्लस इसका 25s का क्या होता है 25 बराबर है तो फाइनल आंसर क्या है 3s² + 16s + 25 / s³ + 8s² + 25s² इजी यही फाइनल आंसर है रे भाई में आगे सोचो मत क्या करने का इतना बड़ा सॉल्व अरे ये मत सोचना आ गया a + b + c² सॉल्व कर सकते हाँ सॉल्व करो इंजीनियर तो हो सॉल्व करने हाँ कर सकते अरे सब कुछ आसान है करके दिखाओ क्या नहीं तुम लोग पहले अरे ये तो पहले एस क्यूब है उस पर भी तुम लोग स्क्वायर मारे नहीं टेंशन नहीं इधर तक ही छोड़ने का समझ रहे क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ पर अपना क्या होता है इंटीग्रेशन फॉर्म क्लियर हो गया इंटीग्रल फॉर्म हो गया अभी तुमको ये मालूम पड़ गया कि क्वेश्चन किस तरह बन सकता है कॉस एच टी आ सकता है टी आ सकता है एक्सपोनेंशियल बार ये जो तीन चार टाइप का जो मैंने सम्स कवर किया ना उतना प्रैक्टिस करो और उसके बाद बुक का कौन सा भी सम्स उठा लो तुमको मालूम पड़ेगा अरे यार ये तो ईजी लग रहा है इससे ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किए समझ रहे तो यहाँ ये वीडियो में तुमको ए टू जेड पता चल गया रहेगा कि इंटीग्रल फॉर्म क्या है बस स्टिल अगर तुमको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए तब तक आज के वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू